तो कल गणेश चतुर्थी है और गणपति बाप्पा ऑलमोस्ट 12 बजे मेरा सेटअप रेडी हो चुका है। लंकेश हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और मेरा डिनर ऑलमोस्ट प्रेप हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी एंड यहाँ पे दाल तड़का बन रहा है एंड आई एम गोना मेक रोटी एंड आई हैव सम राइस फ्रॉम द आफ्टरनून। तो ये होगा हमारा डिनर और ये व्लॉग इतना लेट इसीलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि तो कल गणेश चतुर्थी है और मेरे घर पे इंडिया में गणपति होते हैं, गौरी गणपति दोनों हम करते हैं। मेरे बचपन से ही ये चलता आ रहा है तो आई गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन इट कम्स टू गौरी गणपति। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल फेस्टिवल है, आई एम श्योर सबके लिए ही वैसे सेम फीलिंग्स है। बट दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर जब मैं अपने घर को, अपने फैमिली को और इंडिया को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। इट्स नॉट दैट कि आइदर टाइम्स में नहीं करती, बट गणपति फेस्टिवल इज समथिंग विच इज सो क्लोज टू माई हार्ट दैट मुझे और भी ज्यादा याद आने लग जाती है। पर जब से मेरी और अमोल की शादी हुई है और हम लोगों ने काफी जगहें चेंज की है, काफी घर चेंज की है, बट वन थिंग इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड दैट इज कि हम जहां भी जाते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, हम लोग 10 दिन गणपति सेलिब्रेट जरूर करते हैं। हम अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, हम सुबह शाम आरती करते हैं और हमसे जितना हो पाए हम कर लेते हैं। हम गणपति की स्थापना नहीं कर पाते बिकॉज पहले हम ऑफिस जाते थे और फिर वो घर हमारे इसमें घर बंद नहीं करते हैं 10 दिन या जितने भी दिन आपके घर पे गणपति होंगे, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। इसीलिए वी हैव नॉट यू नो अभी तक हमने गणपति की स्थापना एज सच हमारे घर पे नहीं की है, बट 10 दिन हम जरूर गणपति सेलिब्रेट करते हैं इन आर ओन स्वीट लिटिल वे, जहां पे हम जैसे मैंने बोला कि सुबह शाम आरती करते हैं, कुछ थोड़ा सा मीठा बनाते हैं एंड थोड़ा बहुत हमारे मंदिर को डेकोरेट करते हैं। वी वॉन्टेड समथिंग बिग फॉर आर मंदिर स्पेस एंड जो भी मंदिर हम बाहर देख रहे थे वो सब छोटे छोटे थे, तो हमने ये यूनिट मंगाया है और अब हम इस स्पेस को DIY करके एक मंदिर यूनिट में चेंज करेंगे। तो इसके नीचे काफी स्टोरेज भी है, तो मंदिर का जो सामान होता है वो भी यहाँ पे जा सकता है एंड इट ऑल्सो हैज अ डोर, तो उसके बीच में शेल्फ भी थे बट वो हमने नहीं इंस्टॉल किए। ओके ओके ओके, यू वॉन्ट टू से हाय Hi. I'm super excited because it's Ganpati festival and it's Kaira's first Ganpati festival and Kaira is giving you all a flying kiss. Give flying kiss, babu. Flying kiss. एंड गणपति की प्रेप में मैंने मेहंदी भी लगाई है। जैसे आफ्टरनून में कायरा ने नैप लिया, मैंने क्विकली जैसे मुझे हो सका मैंने मेहंदी लगाई। मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है बट मेरे घर पे एक कोन पड़ा था तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, और आज मैं कायरा को भी मेहंदी लगाने की सोच रही हूँ। आई डोंट नो कितना मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी, पर जैसे ही वो रात को सोएगी थोड़ा सा छोटू सा डिजाइन मैं उसके हाथ पे निकालने का सोच रही हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो आई डेफिनेटली शो यू एंड शी इज टॉकेटिव राइट नाउ। एनीवे, सो खाना बन चुका है, आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद द मंदिर प्रेप। अमोल गया है बाहर ग्रोसरीज लाने के लिए और ये किंको भी उठ गया है और मुझे पता नहीं मैं कैसे काम करूंगी। सो फाइनली बहुत सारी मेहनत के बाद और कायरा के इंटरफेरेंस के बाद रात के ऑलमोस्ट 12 बजे मेरा सेटअप रेडी हो चुका है एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट इट टर्न्ड आउट रियली नाइस विद द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आई हैड एट होम। आई विल शो यू गाइस हाउ इट्स लुकिंग। सो दिस इज हाउ इट लुक्स राइट नाउ एंड इट टर्न्ड आउट रियली रियली वेल, बिकॉज ये वाले फ्लावर्स मेरे पास सिर्फ एक ये था
and I have a couple of them, but I really can't find them. And then I had these like strings, जिसका मैंने स्वस्तिक बना दिया, ओढ़नी से ये डेकोर कर दिया. एंड आई हैड फेरी लाइट्स जो मैंने सेलो टेप करके लगा दी है. एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग. प्लीज इग्नोर दिस. ये सब कल यहाँ से जाएगा और हम यहाँ पे जो हमारा भगवान का सेटअप है उसको यहाँ पे मूव करेंगे. एंड मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा यूनिट इधर ही जाएगा. बट दिस इज हाउ इट्स लुकिंग राइट नाउ. इट्स लुकिंग रियली प्रिटी. आई एम सुपर हैप्पी विद माई सेल्फ. The next day. It's next morning और मैं सुबह सुबह उठ के नहा के रेडी होके I've come in the kitchen. भगवान का जो भोग लगेगा उसके लिए I'm making food. तो अभी मैंने दाल लगा दी है. मेरी दाल हो गई है मगर मैं एक पोटेटो का सब्जी, तो यहाँ पे मैंने पोटेटोज बॉइल करके रखे हैं. एंड I'm gonna make some rice. और जो कल रात को मैंने डेकोर दिखाया था उसमें हम हमारे भगवान जी अभी मूव करेंगे एंड पूजा करेंगे. सो दिस इज व्हाट इज द प्लान फॉर टुडे. देखते हैं हाउ एवरीथिंग अनफोल्ड्स विद कायरा, क्योंकि मुझे आवाज आ रही है कि वो उठ गई है. एनीवे आई एम गोना क्विकली स्टार्ट विद माय वर्क एंड आई विल सी यू गाइज इन सम टाइम. या विश्वासा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्त जीवा मना पुरविता. महाद्वारया नगरी सा तू, महाद्वारया नगरी सा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा. कायरू उठ चुकी है. गुड मॉर्निंग टिटू. सो थैंकफुली आज निकली है बहुत अच्छी धूप. और यहाँ पे मैं अभी मेरा सारा खाना बन चुका है. यहाँ पे है आलू की सब्जी, दाल, राइस एंड अभी मैं बना रही हूँ खीर. यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा है और अभी मैं ये रोस्ट कर रही हूँ. तो अभी फटाफट से बनेगी खीर. कायरा को भूख लगी थी तो मैंने उसको खाना खिला दिया है. एंड हमारा मंदिर भी सेटअप हो गया है. मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. गणपति बाप्पा अंदर मूर्ति. The next day. तो अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर पे. उनके यहाँ पे बापा का आगमन होता है हर साल, तो हम उनके यहाँ पे जाते हैं. तो अभी हम वहां जाने के लिए निकले हैं. शाम के 7 बज चुके हैं एंड हम इस साल पॉटलक कर रहे हैं. तो मैंने इस बार बनाया है पोटैटो की सब्जी, छोले एंड सम स्वीट फ्रूट कस्टर्ड. तो अभी हम फटाफट से निकलते हैं, वहां जाते हैं. वहां जाने से पहले हमें बीच में एक और जगह, हमारे यहाँ पे हमारी ही कम्युनिटी में एक फैमिली है जो जिनके यहाँ पे 10 दिन गणपति होते हैं, उन्होंने भी बुलाया है. तो क्विकली वहां पे स्टॉप लेके फिर हम हमारे फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे जहाँ पे आरती होगी और फिर उसके बाद डिनर होगा. और आपको हम दिखाएंगे उनका स्वीट स्वीट सा गणपति बापा उन्होंने बिठाया है. बहुत क्यूट डेकोरेशन किया है उन्होंने. तो चलो फटाफट से चलते हैं. हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड आई विल शो यू द होल लुक आफ्टरवर्ड्स. मैं फोटोज यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लेना हम तीनों ने क्या पहना है.
गणपति बाप्पा भोला, गणपति बाप्पा हाई ऑल, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने भगवान से बहुत सारी चीजें मांगी होगी, जैसे पिछले साल हमने मांगी थी। तो आपको बताते हमने पिछले साल क्या मांगा था, बताते नहीं आपको दिखाते हमने क्या मांगा था। एंड हियर शी इज, शी इज ऑलरेडी हियर, और वो खुद ही आ गई है। हेलो, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। मे बापा ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस and prosperity in all your life. तो हमने तो काफी हेल्दी और हैप्पी बेबी मांगा था, एंड वी हैव गॉट वॉट वी वॉन्टेड। तो इस साल तो हमने भगवान को थैंक यू कहा, और इस वीडियो से हमको आप लोगों को भी थैंक यू बोलना था, क्योंकि वी हैव रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। आई नो इट इज वेरी स्मॉल माइल स्टोन वी हैड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, इट वॉज जस्ट टू स्प्रेड यू नो हैप्पीनेस टू आर फैमिली मेम्बर्स, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट टू कलेक्ट मेमोरीज। हम चाहते थे कि कायरा के मेमोरीज हमारे साथ हमेशा रहे, हमारी फैमिली उसको देखे, क्योंकि हम फैमिली से इतना दूर रहते हैं, तो हम चाहते थे कि सारे मेमोरीज हम एक यू नो कलेक्ट कर सके और हमारी फैमिली कभी भी उसको देख सके। बट हमने नहीं सोचा था कि वी विल ऑल्सो बी लाइक्ड बाय द व्यूअर्स, एंड वी विल सून रीच द स्मॉल माइलस्टोन ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स एक्चुअली। हम सबको इसीलिए थैंक यू बोलना चाहते थे, थैंक यू सो मच फॉर 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स। दोनों बहुत ज्यादा खुश है। वी विल डेफिनेटली कीप कमिंग बैक विद पॉजिटिव वीडियोज, और आपके लाइफ में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हमारी तरफ से हम स्प्रेड करते रहेंगे, कायरा की स्माइल स्प्रेड करते रहेंगे, एंड आई होप यू गाइज वुड लाइक वॉचिंग अस इवन मोर। सो दैट्स ऑल वी वॉन्टेड टू से, थैंक यू सो 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 मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने हमें सब्सक्राइब किया है, हमारा वीडियोज हमारे वीडियोज देखे हैं। सो थैंक यू, एंड गणपति बप्पा बोलिया, बाय। नायका वेगजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायक।